उत्तर प्रदेश के बाराबंकी चंबल के तहसील सुरौली गोसपुर क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर दे आपको, जहां पर उपजिलाधिकारी प्रदीप पाल सिंह चौहान व सीएससी अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह ने क्षेत्र में चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन केसरी नंदन मेडिकल सेंटर को सील कर दिया, जिसे देखते हुए पूरे इलाके में सनसनी व हड़कंप मच गया है। और किस तरह का नजारा देखने को मिला इसकी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल इस दौरान बाराबंकी जनपद के तहसील सुरौली गोसपुर क्षेत्र के उपजिलाधिकारी प्रदीप पाल सिंह चौहान ने क्या कहा जी, महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो भी अवैध ढंग से हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ पे डिलीवरी की केसेस भी किए जा रहे हैं बिना किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के, उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा और सीएससी अधीक्षक सिरौली गोसपुर के द्वारा छापेमारी की गई बोधसरा में। और वहाँ पर हम लोगों को ना तो कोई डिग्री मिली, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन मिला। इसके बजाय इनके यहाँ दो मरीज एडमिट ही पाए गए, जो कि अपने आप में एक संशय की स्थिति थी। ये बिना डिग्री के द्वारा इन्हें इलाज किया जा रहा है, इसके लिए विशेषज्ञता भी इनको हासिल नहीं थी, उसके क्रम में ये हॉस्पिटल सील किया गया है और इनके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई भी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो तहसील सिरौली गोसपुर क्षेत्र के उपजिलाधिकारी प्रदीप पाल सिंह चौहान की बातें सुनकर के आप पूरा माजरा समझ गए होंगे। फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत सिरौली गोसपुर क्षेत्र के एबीएन न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल